क्या कालिंदी अपने चाल में अब कामयाब हो जाएगी? क्योंकि जहां आज रूबी के प्रेग्नेंट होने का राज एक तरह से वरदान तिवारी के सामने तो आ ही चुका है, क्योंकि कालिंदी जिस तरह से आकाश और केतकी के उस कमरे में रंगे हाथ पकड़वाना चाहती थी वैसा आज बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और आज कालिंदी का सपना टूट गया था और कालिंदी का सारा चाल उसी के ऊपर भारी पड़ चुका है। इसीलिए आगे आने वाला ट्रैक में जब वो वकील तिवारी के घर केतकी और वरदान का फर्स्ट डाइवोर्स पेपर लेकर आएगा और फिर केतकी और वरदान का फैसला सुनेगा, फिर वो उन सब लोगों को बताएगा कि जब एक पति पत्नी में आपस में तलाक करने के लिए राजी नहीं होते हैं तो अदालत ने उन लोगों के लिए अपना फैसला बदलने के लिए 6 मंथ का टाइम देता है। अगर इन लोगों ने अपना फैसला इन 6 मंथ में अगर बदल लेते हैं तो इनकी तलाक जल्दी ही हो सकती है, और कहीं ये फैसला नहीं बदलता है तो उसके लिए अदालत इसकी फैसला 6 मंथ बाद ही करेगा। लेकिन अब घर वालों भी वकील के कहे मुताबिक उनके बातों को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद केतकी और वरदान के इस बात के मंजूरी दिलाने के लिए वहाँ पर उन दोनों से दस्तक भी लिए जाते हैं। और वहीं अब कालिंदी वहाँ आ जाती है और वकील साहब से पूछती है, इससे हमारे सगाई पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? जिसके बाद वकील ने वहाँ पर कहते हैं कि सगाई कानून के नजर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वैसे ये बात आपके फैमिली के बीच में है, लेकिन आगे के अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अनोखा बंधन दंगल टीवी पर।